मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, केमिस्ट्री में वैद्युत रासायनिक श्रेणी। धातु और अधातु वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन बनता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है रसायन विज्ञान में, क्योंकि इस पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं। यदि एक भी चीज इसकी मिस हो जाती है या छूट जाती है शुरुआत से, लड़के करते क्या हैं अक्सर कि शुरुआत से वैद्युत रासायनिक श्रेणी को न याद करके उनके क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं, क्योंकि 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, उन्हीं 4 प्रकार के क्वेश्चनों को रटने का प्रयास करते हैं। आप उनके क्वेश्चन को तब करिएगा, हल करिएगा, जो सबसे पहले कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, किस प्रकार से सीरीज बनाई जाती है, क्या उसका प्रोस्पेक्टर है, क्या उसके लक्षण है, क्या उसके अनुप्रयोग है, ये इत्यादि की सारी जानकारी आपको होना आवश्यक है। सबसे पहली बात है वैद्युत रासायनिक श्रेणी परिभाषा क्या होती है। विभिन्न धातुओं एवं अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में एक श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। जह धातुओं जह अधातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में एक श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। श्रेणी में देखा जाए तो कुछ कॉलम बने हुए हैं, जैसे Li, Na, Ni, Li, K, पोटेशियम, Na, मैग्नीशियम, Mg, Al, Zn, जिंक, Cr, Fe, CONi, CONi, Sn, Pb और हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag और Au। हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं नीचे की धातुओं को क्या कर देती हैं, विस्थापित करने का कार्य करती हैं। जब आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कौन सी धातु किस धातु को या अधातु को रिप्लेस करती है। ये एक सारणी बनाई गई, ये धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में क्या करेगी, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी बनाई गई, जिसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। Li, K, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, CO, Ni, Sn, Pb, Pn, Pb है, Pb, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Au। आगे करके जब आपको क्वेश्चन बताएंगे तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सी धातु किस धातु को या धातु को रिप्लेस करता है। जिनकी सक्रियता सबसे अधिक होती है वो हाइड्रोजन से ऊपर रखी जाती है, जिनकी सक्रियता सबसे कम होती है उनको हाइड्रोजन से नीचे रखते हैं। अब है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, नंबर एक अनुप्रयोग है श्रेणी के ऊपर उपस्थित तत्व उस अपने नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से
विलयन से विस्थापित कर देता है, दूसरा अनुप्रयोग देखिएगा। बताया गया पहले अनुप्रयोग में श्रेणी के ऊपर उपस्थित तत्व अपने नीचे वाले तत्व को के विलयन के क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है। दूसरा अनुप्रयोग है ऊपर से नीचे से नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण रखता है, तथा धन विद्युतीय लक्षण घटता है। जैसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप नीचे की तरफ आएंगे उनकी क्या होगा कि विद्युत धातुओं के रासायनिक की सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। तीसरे नंबर पर है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन H2 गैस मुक्त करते। इसी पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं और इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन से नीचे सभी धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होते हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे धातुएं उपस्थित होती हैं वह अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। तीन अनुपयोग बताए हमने। सबसे पहली बात है परिभाषा क्या है, फिर उसके अनुप्रयोग है कि रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु क्या होती है, नीचे वाली धातु के विलयन से उसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे भी जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ये तो हो गई अनुप्रयोग की बात। अनुप्रयोग देखा जाए तो चार नंबर पे अनुप्रयोग एक और है कि जिन तत्वों का अपचयन विभव अधिक होता है, वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है, एक लास्ट वो देखा जाए जिन तत्वों का अपचयन विभव कम होता है वह उतना ही अपचायक होता है।
कभी कभी आप देखते हैं कि एक सारणी बनी होती है जिसमें पॉइंट में मान लिखा रहता है, उनका लिखा रहता है आपसी कारक इतना है, इसका अपचयन विभव इतना है। तो इसमें बताया गया है कि जिन तत्वों का अपचयन विभव अधिक होता है वो उतना ही अधिक आपसी कारक होते हैं, और जिन तत्वों का अपचयन विभव कम होता है वो उतना ही अधिक अपचायक होते हैं। इसी फिलहाल हमने नहीं लिखा है सारणी में, लेकिन जब आप किताब में देखते हैं इसी सारणी को तो आपको उसमें आपसी कारक और अपचयन विभव के मान लिखे रहते हैं। ये चार से पांच पॉइंट हमने बताए कि श्रेणी में ऊपर के तत्व नीचे वाले तत्वों को रिप्लेस कर देते हैं विलयन से, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को सक्रियता धनाधन विद्युत लक्षण घटता है, हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व जो भी होते हैं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। जिन तत्वों का अपचयन विभव अधिक होता है वह अधिक आपसी कारक होते हैं, जिन तत्वों का अपचयन विभव कम होता है वह उतना ही अपचायक होते हैं। अब हम आपको बताएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। अब बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण की। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो पहला लक्षण है वो है जो धातु हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक होती हैं, हाइड्रोजन से प्रबल होती हैं, उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है जो धातु हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं होती हैं, उन्हें हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन मानक अपचायक विभव शून्य होता है। अभी जो हमने बताया था कि प्लस में कुछ संख्या लिखी रहती है और माइनस में कुछ संख्या लिखी रहती है, तो वहां पर जो हाइड्रोजन के सामने जो लिखा रहता है उसमें शून्य लिखा रहता है। एक लास्ट इसका लक्षण बचता है कि इस वह श्रेणी जो धातु इस यह श्रेणी धातुओं की सक्रियता के यह श्रेणी धातुओं की सक्रियता के घटते हुए क्रम में बनाई गई है। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग हो गए, परिभाषा हो गई, लक्षण हो गए, अब बात करते हैं इसके उपयोग की, उपयोगिता इसकी कहां पर है। उपयोग एक ही उपयोग है इसका कि मानक विद्युत वाहक बल में इसका उपयोग किया जाता है। आप लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग किसी सेल के मानक विद्युत वाहक के विद्युत वाहक बल का निर्धारण करता है, बल का निर्धारण
करता है। ये कुछ कुछ टॉपिक हुए कि विद्युत रासायनिक क्या श्रेणी क्या है, उसके अनुप्रयोग हमने बताए, फिर लक्षण बताए, फिर उपयोग बताए। जब इतनी सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा क्या है, किस लिए बनाई गई, उसके अनुप्रयोग क्या है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसके क्या उपयोग हैं, ये जब चार चीजें आपको याद हो जाएंगी तो इसके आगे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, फिर आपको चाहे वह हाई स्कूल लेवल पर हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर लेवल पर हो, चाहे आप इंटर लेवल पर हो, यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो सरल प्राप्त होगा। अगर देखिएगा कि हाँ नहीं, अब आप कह दीजिएगा हाई स्कूल में सिर्फ चार क्वेश्चन है स्पेशल, चार हम याद कर लेंगे, क्वेश्चन ही याद कर लेंगे, उसी पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं, या वही क्वेश्चन हम कह सकते हैं आते लगातार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब पैटर्न हो गया एनसीईआरटी। यूपी बोर्ड में क्या होता था, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे, वही क्वेश्चन सेम 2007, 2008, 2010, 2012, 2018, इस प्रकार से 2020 तक वही क्वेश्चन 22 तक चलते थे। मतलब 10 साल से एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा, वही इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग रट रटते थे। तो सर इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, साइंस में अधिकतर पहले ऐसे होता था, लेकिन चूंकि अब जब से एनसीईआरटी पैटर्न का पेपर बनने लगा है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। छोटे से प्रैक्टिकल के तौर पे देखा जाए तो एक ही जैसे मैथ में एक डिजिट को चेंज करने पर पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, वैसे ही साइंस में इसका क्वेश्चन है, छोटा सा एक डिजिट को चेंज किया जाता है और पूरी थ्योरी बदल जाती है। तो अब एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से चूंकि हमें पढ़ना है, तो हम एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से एक छोटे से छोटे डिस्क्रिप्शन को हम डिस्क्राइब करने की बात ही पढ़ेंगे, हर एक चीज को याद कर लेंगे, उसका फार्मूला प्रोस्पेक्टर हर एक चीज छोटी छोटी चीज समझ लेंगे, जिससे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो टीचर ने थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दिया, या थोड़ा सा डिजिट को चेंज भी कर दिया, कुछ चीज को बदल भी दिया, रिएक्शन को भी थोड़ा सा मोड़ के अगर प्रस्तुत कर रहा है तो हम उसको रिएक्शन को हल कर पाए। क्वेश्चन जो है जो भी इन्हीं लक्षणों के आधार पर ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम क्वेश्चन बताएंगे कि किस प्रकार से इनके क्वेश्चनों को हल किया जाता है। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है आपको समझ में नहीं आती वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे लिखा करें।